नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन और आज लेकर गया हूं आपके लिए इस पैकेट की अनबॉक्सिंग। ये पैकेट मैंने मंगाया है worthing.in से, तो फटाफट से खोलते हैं इसको, दिखा देता हूं आपको क्या क्या मिला है मुझे इस पैकेट में। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों हो गई है अनबॉक्सिंग, तो और यहाँ पर काफ़ी सारे बुकमार्क मिले हैं worthing.in। आप चाहें तो जाके इनका स्टोर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बुकमार्क भेजे हैं। खैर, बुकमार्क से कुछ खास मुझे लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना सिंगल इश्यूज से जो मुझे मिले हैं। दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी सारे सिंगल इश्यू हैं और मोस्टली मैंने मंगाया है पनिशर के। तो यहाँ पर सिंगल है ये वुल्वरिन एंड द पनिशर का, ठीक है, ये है इश्यू 3। तो किस्मत की बात है कि ये इनके स्टोर पे सारे ही मिल गए सिंगल्स इशू, तो मैंने मंगा लिए। प्राइस मेरे हिसाब से 199 था एक इशू का, 200 रुपये के आसपास। तो देखिए अंदर का आर्ट, ये थोड़ा सा मांगा स्टाइल में है, एड्स काफ़ी सारे भरे हुए हैं, रेवलेशंस, ठीक है। तो ये रेवलेशंस का है इश्यू 3, इसको साइड में रख देता हूँ एक बार। और जो दूसरा इश्यू है वो इस सेम रेवलेशन का है इश्यू 1, तो ये की इश्यू हो गया इसका, ठीक है। इसके अलावा भी पनिशर ही पनिशर है एक्चुअली, और ये है इश्यू 4। तो मेरे हिसाब से 4 इश्यू की लिमिटेड सीरीज थी ये, और चारों इश्यू अवेलेबल थे worthing.in पर, तो इसलिए मैंने ये चारों इश्यू मंगा लिए। और वुल्वरिन द पनिशर इश्यू 2, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 इश्यू हैं। ये थोड़े से एनिमे और मांगा स्टाइल में, से आप देख पा रहे हैं कवर को, और मैंने चेक किया था नेट पर तो ये 4 इश्यू की लिमिटेड सीरीज थी। तो मैंने कहा जब पूरी सीरीज मिल रही है तो मंगा लेना चाहिए, नहीं तो सिंगल का भरोसा नहीं रहता कि कहीं का भी एक पार्ट मिल जाए, पता ही नहीं चले क्या स्टोरी चल रही है। उसके बाद में है पनिशर हॉलीडे स्पेशल, तो डबल साइज इश्यू है ये, थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। तो ये पनिशर का ही सिंगल्स का लॉट है, और ये किताब थोड़ी सी मोटी है जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी पुरानी भी है, मतलब ये कौन से सन का इश्यू है। और कवर इसका जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग स्टाइल का है जी, मतलब कुछ स्पेशल कलाकारी इसके ऊपर है कवर के ऊपर, पता नहीं आप लोग कैमरे में देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे। तो ये काफ़ी पुराना इश्यू लग रहा है मुझे, लेकिन पूरी स्टोरी है, सिंगल इश्यू है। उसके बाद में है पनिशर ब्लड लाइन्स, तो ये भी वन शॉट है। तो मैंने पता कर करके ही मंगाए हैं कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो कि बीच का कोई इशू आ जाए। तो और ये वाली किताब भी बहुत ज़्यादा मोटी है, ये देख सकते हैं जैसे कि आप इसकी स्पाइन भी दिख रही है, पनिशर ब्लड लाइन्स, ठीक है, फोकस आउट ऑफ फोकस आ रहा है लेकिन खैर, पनिशर ब्लड लाइन्स। तो इसमें इसका बेटा और इसकी बेटी लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई अल्टरनेटिव स्टोरी है, इसको मैं पढ़ूंगा और देखूंगा किस तरीके की ये स्टोरी है और क्या है पीछे का कवर आर्ट। इसके बाद में है पनिशर रेड क्रिसमस, इसको भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये सिंगल सिंगल्स 199, 299, अच्छा इसके अंदर पड़ी हुई है, तो ये भी सिंगल है और ये भी थोड़े से मेरे हिसाब से ये शायद नॉर्मल साइज की ही है, मतलब नॉर्मल पेज स्ट्रेंथ की है, तो ये भी वन शॉट ही है। ये मेरे पास शायद किसी कलेक्टर एडिशन में है भी, किसी पेपर बैग में है ये मेरे पास में शायद, दी एंड। तो ये भी वन शॉट सिंगल इश्यू है। और इसके बाद में मैंने मंगाई है पनिशर द लिस्ट डार्क रीजन। अब ये जो है ये एक पूरी एक पार्ट का सीरीज है, लेकिन इसको मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि ये वाली किताब थोड़ी सी स्पेशल है। स्पेशल यूँ है कि इसमें जो है इसकी स्टोरी लाइन में ये पनिशर फ्रैंकन कैसल से पहले की कहानी है, और इसमें पनिशर को वुल्वरिन का जो बेटा है डेकन ये मार देता है,
मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके लिए मैंने ये मंगाई है। और ये देखिए, ये रहा वो, ये रहे वो पेन जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर वुल्वरिन का बेटा जो है वो पनिशर से लड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्लडी पैनल्स हैं, और फिर एट द एंड ये पनिशर को मार देता है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाथ कट रहा है, इसके थ्रोट पे मार दिया है, उसके बाद में उसे पूरी तरीके से डिसमेंबर्ड कर देता है। ये देखिए, तो काफ़ी, ये देखिए काफ़ी गोरी पैनल्स हैं इसके। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पनिशर का पूरा शरीर कटा फटा पड़ा है, और ये फेंक रहा है इनके पार्ट्स को नीचे। और इसके बाद में ये जो है ये शुरुआत होती है फ्रैंकन कैसल की, कि एक ग्रुप रहता है लीजन ऑफ मॉन्स्टर, वो पनिशर के बॉडी पार्ट्स को जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टिच कर देता है। देखिए, अच्छा इसमें दे नहीं रखा, पनिशर के बॉडी पार्ट को स्टिच कर देता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर पनिशर का फ्रैंकन कैसल का जो रन है रिक रिमेंबर का, वो स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ही मैंने इस किताब को मंगाया है, इस कॉमिक्स को मंगाया, क्योंकि ये एक अपने आप में एक जिसको कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट इशू है, जहाँ पर डेकन जो है वुल्वरिन का बेटा वो पनिशर को अलग अलग मतलब उसके पूरे अंग छितर बितर कर देता है, डिसमेंबर कर देता है, उसके बॉडी पार्ट्स को से मार देता है। और उसके बाद में फ्रैंकन कैसल की स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलती है। हालांकि फ्रैंकन कैसल का भी ट्रेड पेपर बैंक में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि मतलब मिल ही नहीं रहा है। पनिशर के ग्राफिक नॉवल, पनिशर के ट्रेड पेपर बैग्स, पनिशर की ओमनी सब आउट ऑफ स्टॉक हैं अमेज़न पे। समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर हो रहा है, अमेज़न यहाँ वहाँ सब जगह बहुत लिमिटेड कॉपीज़ अवेलेबल हैं ट्रेड पेपर बैग्स और कॉमिक्स के नाम पर, और जो भी अवेलेबल हैं वो भी मतलब एक महीने डेढ़ महीने में वो भी सारी सारी आउट ऑफ स्टॉक होती जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा मार्वल पनिशर को रीप्रिंट क्यों नहीं कर रहा है। तो अभी मैं पनिशर का काफ़ी सारा कॉमिक्स जो है वो ख़रीद रहा हूँ इन दिनों, आपके लिए उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा। मैंने काफ़ी सारी किताबें खरीदी जिनकी अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। और थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर लिया जाए, मेरी किताब एक्ट ऑफ हेल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है सभी सेलर्स के पास में। अगर आपको ऑटोग्राफ कॉपी चाहिए तो actofhell.com से आप ऑर्डर कर सकते हैं। पढ़िए, बताइए कैसी लगी मुझे। इसका तीसरे इश्यू पे मैं काम कर रहा हूँ, वो भी जल्दी आपके सामने पेश करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। पनिशर का एक छोटा सा लॉट, सिंगल्स का लॉट, और आप कह सकते हैं ये काफ़ी रेयर कॉमिक्स का लॉट है जो मैंने मंगाया worthing.in से। अगर आप भी सिंगल इशू या कुछ देखना चाहते हैं तो worthing.in का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।